हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एंड व्हाट इज जीआईएस, इन विच वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग विच इज एक्टिव एंड पैसिव। इन एक्टिव सोर्सेज दे यूज देयर ऑन एनर्जी एंड इन पैसिव सोर्सेज दे यूज अदर्स लाइक दैट सन्स एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोटोग्रामेट्री, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री इज मेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फोटो ग्रामा मेट्रोन विच मीन्स लाइट ड्रॉन और रिटर्न मीन्स टू मेजर रेस्पेक्टिवली। इसमें इसको यदि समझे हम तो अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बिना कांटेक्ट में आए, जैसे प्लेन में कैमरा लगा दिया, उसके बाद उसके फोटोग्राफ्स लेके जो मैप्स अपन प्रिपेयर करते हैं वो सारा कुछ इसके अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। फोटोग्रामेट्री इज डिफाइंड बाय the ASPRS which full form American Society for Photogrammetry and Remote Sensing as the art, science and technology of obtaining reliable information about physical objects and the environment through processes of recording, measuring and interpreting images and patterns of recorded radiate इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड अदर फेनोमेना। स्टूडेंट्स, फोटोग्रामेट्री में क्या होता है कि इसको डिफाइन किया है, ये एक सोसाइटी है ASPRS, अमेरिकन सोसाइटी फॉर फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग। तो इसके हिसाब से जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक आर्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी की जो क्या ऑब्टेन करती है, रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड द एनवायरमेंट थ्रू प्रोसेसेज, इस प्रोसेस में ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग इमेज एंड पैटर्न्स ऑफ रिकॉर्डेड रेडिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड अदर फेनोमेना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, फोटोग्रामेट्री इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड टेरेन फीचर्स फ्रॉम टू डायमेंशनल फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफी में क्या होता है, अपन नेचर में, एनवायरनमेंट में देखते हैं, सब कुछ 3D में अपन को विजुलाइजेशन होता है, ठीक है, या जो भी है 3D में होता है। तो अपन पेपर पे कोई भी वर्क करते हैं तो पेपर पे जो वर्क करते हैं वो 2D में करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है उनको पेपर पे किस में देता है, 2D में। किसी भी चीज़ को कैप्चर करेगा, मतलब फोटोग्राफ्स उसके लेगा, तो उसको किस पे, पेपर पे देगा, ठीक है। तो इनकी हेल्प से अपन जो है वो मैप प्रिपेयर कर लेते हैं, हाइट का, डिस्टेंस का, वॉल्यूम का, वो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पता कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट इसका, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, एप्लीकेशन इंक्लूड द मेजरिंग ऑफ कोऑर्डिनेट द क्वांटिफिकेशन ऑफ डिस्टेंस, हाइट्स, एरिया एंड वॉल्यूम्स, द प्रिपेरेशन ऑफ मैप्स एंड द जनरेशन ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल एंड ऑर्थो फोटोग्राफ्स। तो ये जो फोटोग्राफ मेट्री है इसकी हेल्प से अपन इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इसमें आता है मेजरिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द क्वांटिफिकेशन ऑफ डिस्टेंस, हाइट, एरिया एंड वॉल्यूम, द प्रिपेयर ऑफ मैप, मैप प्रिपेयर करने में, एंड द जनरेशन ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल एंड ऑर्थो फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कैमरा टू जनरल टाइप्स ऑफ फोटोग्रामेट्री एग्जिस्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, कैमरे के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इसको दो तरीके से क्या किया है, यहाँ पे क्लासिफाई किया है, या फिर इसके दो पार्ट होते हैं, एरियल और टेरेस्ट्रियल। तो एरियल में क्या होता है, विद द कैमरा इन द एयर, एरियल फोटोग्रामेट्री में जो कैमरा होता है वो किस में होता है, एयर में होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इसमें विद द कैमरा हैंड हेल्ड, मतलब हाथ में होता है, या फिर किसी ट्राइपॉड पे क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनमें जो कॉमन बात है वो करते हैं दोनों में,
स्टूडेंट्स इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री डीलिंग विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस अप टू 200 मीटर। जो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री है, ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम मतलब कह सकते हैं पर कि डिस्टेंस होती है कहाँ तक ये कवर कर सकता है, तो इसकी जो डिस्टेंस वो है 200 मीटर। इज ऑल्सो टर्म्ड क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल फॉर्मेट एरियल फोटोग्राफी फोटोग्रामेट्री इन ए वे टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू, कंबाइनिंग द एरियल वेंटेज पॉइंट विथ क्लोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस एंड हाई इमेज डिटेल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं, पहला स्टार्ट करेंगे जियोमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफी या फोटोग्रामेट्री, ठीक है। तो लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट जो टू टाइप्स पढ़े थे पढ़ने, ठीक है, कैमरे के ओरिएंटेशन के हिसाब से, तो पहला है ज्योमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री फोटोग्राफी। द ज्योमेट्री ऑफ एन एरियल फोटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द सिंपल फंडामेंटल कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। किस पे बेस्ड है ज्योमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स? एक सिंपल फंडामेंटल कंडीशन है कोलिनियरिटी। अभी कोलिनियरिटी क्या होता है, तो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के हिसाब से थ्री और मोर पॉइंट्स, तीन या तीन से ज्यादा बिंदु दैट लाई ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पे होते हैं, आर सेड टू बी कोलिनियर। मतलब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ईच रे फ्रॉम द फोकल पॉइंट टू द फोटोग्राफिक इमेज इज फिक्स्ड बाय द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो जो ईच रे की जो लेंथ होती है, कहां से, फोकल पॉइंट से और फोटोग्राफिक इमेज तक, वो किससे फिक्स की जाती है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, इन फोटोग्रामेट्री ए सिंगल रे ऑफ लाइट इन फोटोग्रामेट्री ए सिंगल रे ऑफ लाइट is the straight line in photogrammetry a single ray of light is the straight line थ्री फंडामेंटल पॉइंट्स मस्ट ऑलवेज फॉल ऑन दिस स्ट्रेट लाइन on this straight line। आगे चलते हैं, इसी में आगे द इमेज्ड पॉइंट फंडामेंटल पॉइंट्स मस्ट ऑलवेज फॉलो ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, द इमेज पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, द फोकल पॉइंट ऑन कैमरा लेंस
द फोकल पॉइंट ऑन कैमरा लेंस एंड द इमेज एंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द फिल्म और फिल्म और इमेजिंग एरे ऑफ ए डिजिटल कैमरा इमेजिंग एरे ऑफ ए डिजिटल कैमरा एज शोन इन फिगर बिलो शोन फिगर बिलो। अभी डायग्राम बनाएंगे, इसमें इनकी सबकी सिचुएशन बताएंगे, किस किस के बताएंगे। फंडामेंटल पॉइंट मस्ट ऑलवेज फॉल ऑन द दिस स्ट्रेट लाइन, द इमेजिनरी पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द फोकल पॉइंट ऑन द कैमरा लेंस एंड द इमेज ऑफ पॉइंट्स ऑन द फिल्म और इमेजिंग एरे ऑफ ए डिजिटल कैमरा एज शोन इन फिगर। तो अभी चित्र में इनकी स्थिति बताएंगे। तो ये डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, एरियल फोटोग्राफी का। तो क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, जो तीनों पॉइंट होते हैं एक ही लाइन पे होते हैं, तो तीनों पॉइंट ऑफ सिचुएशन मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। यह लिखा फ्लाइट लाइन ऑफ एरियल फोटोग्राफी, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, सेम डायरेक्शन में तीनों पॉइंट। तो पहला पॉइंट में ये जो देखो, पहले पॉइंट में तीसरा पॉइंट तक मतलब तीनों पॉइंट का आ रहा है इसमें, तो ये कवर हो रहा है एरिया, ठीक है। तो कितना कवर हो रहा है ये कितना ओवरलैप हो रहा है, तो 60% एरिया ये क्या हो रहा है, ओवरलैप, स्टेरोस्कोपिक मॉडल। फिर ये यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कवरेज ऑफ फोटोग्राफ, कि फोटोग्राफ ने ये जो है कवर हो चुका है, ठीक है। फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो थर्ड पार्ट आ रहा है इसका, उसको मैंने लिखा है यहाँ पे टेरेन रिकॉर्डेड ऑन 3 सक्सेसिव फोटोग्राफ्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से यहां तक क्या है, एल्टीट्यूड अबव ग्राउंड लेवल एच, ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। तो ये अपना जो है एरियल फोटोग्राफी हो गया। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे अपन, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स लिखते हैं इसको, रफ करो बोर्ड। ठीक है, तो उसे लिखते हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, द एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड थ्रू वर्टिकल एयर, ऐसे ये दो शब्द आएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो क्या होता है, जैसे ये अपना कैमरा है या लेंस है, ऐसे ये इसकी क्या हो गई लाइन ऑफ साइट, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी, ठीक है, और ये कैमरा है, ठीक है, इसका जो लाइन ऑफ साइट इस डायरेक्शन में, तो इसको कहेंगे वर्टिकल फोटोग्राफी या फोटोग्रामेट्री, ठीक है ना। वर्टिकल एयर, एरिया कवर्ड थ्रू वर्टिकल एयर फोटोज, वर्टिकल एयर फोटोज एंड ऑफन स्क्वायर इन शेप एट द एरिया कवर्ड थ्रू वर्टिकल एयर फोटोज एंड ऑफन स्क्वायर इन शेप एट द यूनिफॉर्म प्लेन, एट द यूनिफॉर्म प्लेन। नेक्स्ट,
इन सिंपल वर्ड्स दीज फोटोग्राफ्स आर टेकन with an airborne camera and vertically downward from the plane. वही बात जो भी बताई थी आपको, ठीक है? मैं अपन नोट लगा के लिख लेना. The horizontal air photos are also known as terrestrial photos, terrestrial photography. ठीक है, इसके यूजेज काफी होते हैं, तो यूजेज इसकी बात कर लेते हैं. यूजेज भी यहीं पे देख लेते हैं. यूजेज ये टेरेस्ट्रियल दिख तो रहा है ना आपको, मैं चेक कर लेता हूँ. ये टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इन्वॉल्व्स इन द usage of photos photo theodolite which is having theodolite which is having precision in its obtained result. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स इसको देखते हैं एक बार. The area covered through vertical air photos and often square in shape at the uniform plane. In simple words, these photographs are taken with an airborne camera aimed vertically downward from the plane. जैसा अभी बताया आपने कि ये दो प्रकार से करते हैं फोटोग्राफी, डाउनवर्ड और वर्टिकल. The horizontal air photos are also known as terrestrial photos. Uses की बात करें तो a terrestrial photogrammetry फोटोग्रामेट्री इन्वॉल्व्स इन द यूजेज ऑफ फोटोज थियोडोलाइट या फोटो थियोडोलाइट व्हिच इज हैविंग प्रिसीजन इन इट्स ऑब्टेंड रिजल्ट. जो भी इससे रिजल्ट प्राप्त होता है वो कैसा होता है, प्रिसाइज होता है. तो स्टूडेंट्स आप आज अपन ने बात की थी फोटोग्रामेट्री की, और फोटोग्रामेट्री में जो इसके टाइप्स हैं, जैसे किसके बेस पे, कैमरे के ओरिएंटेड जो ओरिएंटेशन है उसके बेस पे इसके दो प्रकार है, टेरेस्ट्रियल और एरियल. तो इन दोनों की अपन ने चर्चा की थी. ठीक है, वापस एक बार इसको देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, तो आप एक बार यदि लिखा है तो आपने वापस रिवाइज आप कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं. फोटोग्रामेट्री डिफाइंड बाय ASPRS एज द आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड द एनवायरमेंट थ्रू प्रोसेसेस ऑफ रिकॉर्डिंग मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग इमेज and pattern of recorded radiant electromagnetic energy
एंड अदर फेनोमेना. फोटोग्रामेट्री इज प्राइमरी कंसर्न्ड विद मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड टेरेन फीचर्स फ्रॉम टू डायमेंशनल फोटोग्राफ. एप्लीकेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेट को मेजर करने में या फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ डिस्टेंसेज, हाइट, एरिया एंड वॉल्यूम. इसी के साथ जो मैप है उनको प्रिपेयर करने में और जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है उनको जेनरेट करने में क्या होता है, इसका यूज होता है किसका, फोटोग्रामेट्री का. ठीक है, तो ओरिएंटेशन ऑफ कैमरे के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा है, एरियल और टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 200 मीटर तक हो सकता है और इसीलिए इसको क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री भी कहते हैं. स्मॉल फॉर्मेट एरियल फोटोग्रामेट्री इन एबिट टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू टाइप्स. कौन कौन से दो टाइप, कंबाइनिंग द एरियल वेंटेज पॉइंट विद क्लोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस एंड हाई इमेज डिटेल्स. अब पहला जो है ज्योमेट्री ऑफ एरियल की बात करें तो सीधी सी बात है ये किस पे बेस्ड है, ये सिंपल फंडामेंटल कंडीशन है कोलिनियरिटी. कोलिनियरिटी क्या होती है, जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही जो है लाइन पे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं. उस स्थिति में लेंथ ऑफ ईच रे फ्रॉम द फोकल पॉइंट टू द फोटोग्राफिक इमेज, इस सिचुएशन में जो लेंथ होती है किसकी, ईच रे की, वो कहां से कहां तक, फोकल पॉइंट से फोटोग्राफिक इमेज तक, इज फिक्स्ड बाय द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ठीक है, इसका डायग्राम अपन ने पढ़ा था. उसके बाद टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ जो लिखा हुआ है, द एरिया कवर्ड थ्रू वर्टिकल एयर फोटोज, जो एरिया कवर किया जाता है वर्टिकल, जो एयर जो फोटो ली जाती है उनमें जो एरिया कवर होता है वो अक्सर स्क्वायर इन शेप, शेप में स्क्वायर हो सकती होती है एट द यूनिफॉर्म प्लेन. इन सिंपल वर्ड्स दिस फोटोग्राफ्स आर टेकन विथ एन एयर बोर्न कैमरा एम्ड वर्टिकली. ये जो फोटोग्राफ है एयर, एक एयर में जो कैमरे से ली जाती है जो अपन ने पढ़ा फोटोग्रामेट्री में. ठीक है, और वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेन. हॉरिजॉन्टल एयर फोटोज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एयर फोटोज को भी अपन टेरेस्ट्रियल फोटोज के नाम से जानते हैं. इसका जो यूज है वो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ फोटोज थ्रू द लाइट विच इज हैविंग प्रिसीजन इन इट्स ऑब्टेंड रिजल्ट. जो रिजल्ट होता है उसमें वो क्या देता है, प्रिसाइज रिजल्ट देता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.